अगर आप भी बिजनेस करना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए है। आप भी इस वीडियो को गौर से और एंड तक आपने देखना है। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहने वाला है। अल्लाह नबी के फजल करम से आज का वला करते शुरू। आज की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुद का एशिया का सबसे बड़ा बाग जो है अमरूद का, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम पहुंचे हैं। अमरूद की काफी ज्यादा अकसाम है। अमरूद आप किस तरह काश्त कर सकते हैं और किस तरह इसका फल जो है वो हासिल किया जा सकता है, किस तरह आप घर में रह के अमरूद के जो पौधे लगाएंगे, पौधों के साथ साथ आप कौन कौन सी इसमें फसलें लगा सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें इसके साथ आप ले सकते हैं, और अमरूद जो है एक साल में कितनी दफा ये इसका बीज जो है वो लगता है और पकते हैं, कितनी दफा इसका फल जो है हासिल किया जाता है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे माशाल्लाह अमरूद के पौधे नजर आ रहे हैं जो कि लदे हुए हैं अमरूदों के साथ, माशाल्लाह बड़े लेवल के। और इसके ऊपर पहले येलो होता है, उसके बाद फिर रेड इसका निशान पड़ना शुरू हो जाता है। एक्चुअली अमरूद की जो काश्त है वो अल्हम्दुलिल्लाह जिला सियालकोट में काफी जगह में पाई जाती है। यह है पानी की भी इसकी जरूरत होती है, उसके अलावा खाद भी इसको डाली जाती है, और इसके अलावा जो इसकी जो बची हुई जमीन साथ होती है उसमें आप घास वगैरह भी लगा सकते हैं या आप गंदम की काश्त भी इसमें काट सकते हैं। गंदम की काश्त इसमें की जा सकती है, और इसके अलावा जो अमरूद का फल है वो एक साल में तकरीबन दो दफा आपको हासिल होगा। पौधा है, इसमें कितने अमरूद लगते हैं इसके अलावा आपको और भी पौधे दिखाते हैं इंशाल्लाह। वो दिसंबर स्टार्ट होने पे अमरूद का जो फल है वो पक जाता है, तैयार हो जाता है, खाने के काबिल हो जाता है। मेरे पीछे ये माशाल्लाह नजर आ रहे हैं अमरूद के जो पौधे हैं, माशाल्लाह फल के साथ लदे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह जिला सियालकोट के अमरूद जो है वो जाते हैं, और बाहर के लोग जो बाहर के बशिंदे हैं उनको पता नहीं इन अमरूदों के में उन्होंने पता नहीं क्या चीज नजर आती है, वो बड़े खुश होके बड़े लेवल के साथ ये खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह टहनी इसकी लदी हुई है और बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे माशाल्लाह अमरूद लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताता चलूं, ये अमरूद की जो पौधे हैं इससे जो फल हासिल होता है वो एक साल में दो दफा हासिल होता है। एक अमरूद का बूटा तकरीबन दो माह तक इसका फल जो है वो आपको मुहैया होगा। और इसके अलावा अगर आप अपनी जगह पे अपनी फसल पे आप लगाते हैं, साथ आप गंदम काश करें या जानवरों के लिए चारा लगाएं, तो इंशाल्लाह आपको साथ अमरूद का फल भी हासिल होगा। आप इसको मंडी में जाके भी सेल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको खुद भी सेल कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे फेरी वाले होते हैं, बाग में आएंगे, बाग से आपसे पैसे दे के और उसी लेवल के साथ लेके जाएंगे और वो खुद जाके गाँव में बेचेंगे। ये बड़ा अच्छा बिजनेस है, आप इसको काश कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आप नर्सरी में जाएं, अमरूद के छोटे पौधे लें और अपनी जो फसल है गांव में उधर लगाएं। इसको एक दो दफा पानी डालना पड़ता है और थोड़ी सी इसको खाद डालनी पड़ती है या गोड्डी वगैरह करनी पड़ती है। आप अपने गांव में अगर आपके पास इस तरह की जगह है, जमीन है, तो आप भी इस तरह का खूबसूरत बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आपके अमरूद जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इसके साथ नाम भी रोशन होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको रिज़क में फरमानी भी अता करेगी और रिज़क भी आपको इंशाल्लाह वसी हासिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अमरूद का जो फल है उसको उतारा जा रहा है, तो माशाल्लाह टोकरियां भर भर के इसी तरह फ्रेश अमरूद की रखी जा रही हैं। और बाग में माशाल्लाह इस टाइम बैठे हैं बुजुर्ग माशाल्लाह जो आनर है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कौन कौन सी किस्म के अमरूद जो हैं वो बाग में पाए जाते हैं और किधर किधर से लोग आते हैं जो इनसे आके अमरूद परचेज करते हैं, और सारी मालूमात इंशाल्लाह लेते हैं। अगर आप भी बिजनेस करना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए है। आप भी इस वीडियो को गौर से और एंड तक आपने देखना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल जी? ठीक हो? थोड़ा से ठीक है।
अच्छा सर जी जो अमरूद माशाल्लाह तुहाडे को बाग है किन्नी एकड़ जगह तुहाडी जिहदे च बाग लगा है? ये 2.5 किले 2.5 किले जगह है। 2.5 किले च तकरीबन किन्ने पौधे माशाल्लाह लगे ने? ये 500 पौधा 500 पौधा है। 500 पौधे दे विच एक जिहड़ा पौधा है इहदे च ज्यादा तों ज्यादा फल किन्ना माशाल्लाह उतर जांदा है? मन वी लाहदा, दो वी लाह जांदा, दो मन, दो ढाई मन तक माशाल्लाह वी लाह जांदा है। ठीक है, घट वी लाह जांदा है। ਕੁਝ ਫਰਕ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੌਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-2.5 ਮਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ? ਬੜੀ-ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਲੈ। ਹੁਣ 500 ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, 500 ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚੀਦਾ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਵੇਚੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਖੜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦੇ ਅਮਰੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੂਦ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਰੇਟ ਤੋਂ ਰੇਟ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲ ਕੱਚਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਹਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਫਲ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਹੀ ਮਾਰਜਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ? ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਨਰਥ ਹੈ ਇਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ, ਇਨਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਪੱਕਾ ਉਤਾਰਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਂ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਬ ਫਲ ਤਿਆਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਫਲ ਜਬ ਤਿਆਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਤਾਰਨੇ ਕੀ ਇਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਜਬ ਕੱਚੇ ਉਤਾਰੇਂਗੇ, ਨੀਅਤ ਪੇ ਨੀਅਤ ਕਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਸਾਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਗਰ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੇ ਕਰੇਂ, ਸਿੱਧਕੇ ਦਿਲ ਸੇ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਆਪਕੋ ਬਰਕਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਂਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟੋਕਰੀ ਮੇਂ, ਦੋਨੋਂ ਟੋਕਰੀ ਮੇਂ ਅਮਰੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣੇ ਕੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2.5 ਏਕੜ ਇਨਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 2.5 ਏਕੜ ਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਮੇਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-2.5 ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਸੇ ਜੋ ਅਮਰੂਦ ਵੋ ਉਤਰ ਆਤੇ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਇਨਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਂ ਅਮਲ ਮੇਂ ਬਰਕਤੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਜੋ ਚੀਜ਼ੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੇਚਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਮੇਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਗੀ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਮੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣੇ ਸੇ ਬਚ ਜਾਏਗੇ, ਇਧਰ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਂ, ਇਧਰ ਇਹ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਆਦ ਪੇ ਆਪ ਫਸਲ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਗੰਦਮ ਕਾ ਜਬ ਮੌਸਮ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਆਪ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਚਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਧਰ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਚਾਰਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਗਾ, ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੂਦ ਕੀ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਲਾਗ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਜ ਕੇ ਵਲਾਗ ਯਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖਤਮ। ਮਹਿਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਕਬਾਲ ਗੁਜਾਸਤੀ ਜੀ ਕਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪ ਸਭ ਕਾ ਹਮੀ ਨਸਰ ਹੋ, ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਖੈਰ ਹੋ। ਅੱਲਾ